दोस्तों, कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र होता है और भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर की बात की जाती है तो दो तीन एयरक्राफ्ट हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान सबसे पहले उन पर जाता है। इनमें से पहला एयरक्राफ्ट था MiG-21, दूसरा था MiG-27, तीसरा था Mirage 2000 और चौथा था MiG-29। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उस युद्ध में भारतीय वायुसेना के MiG-27 बहादुर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी थी, इसका लोहा दुश्मनों ने भी माना, क्योंकि इसने चुन चुन कर जो एनमी टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करी। और फाइनली एक लंबे समय तक सर्विस देने के बाद दिसंबर 2019 में इस एयरक्राफ्ट ने भारतीय वायुसेना को विदा बोल दिया। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना ने वो गैप फिल करने की कोशिश की जो MiG-27 बहादुर के जाने के बाद क्रिएट हुआ था? क्या हमारे पास एडवांस बॉम्बर को एक्वायर करने के अवसर थे? क्या भारत को SU-34 फुल बैक लेना चाहिए था और क्यों नहीं लेना चाहिए था? इसके क्या एडवांटेजेस होते, क्या डिसएडवांटेजेस होते, इनको आज के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सबसे लीथल फाइटर एयरक्राफ्ट में गिने जाते थे MiG-27 बहादुर, जिन्होंने दशकों तक भारतीय वायुसेना को सर्विस दी। लेकिन कहते हैं कि हर एयरक्राफ्ट की एक अवधि होती है और उस अवधि को पूर्ण करने के बाद उनको उड़ाना सुरक्षित नहीं होता, और यही चीज MiG-27 बहादुर के साथ भी थी। एक के बाद एक जो लगातार हादसे हो रहे थे उनके बाद से इनको उड़ाना भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और फाइनली दिसंबर 2019 में वो दिन आता है जब जोधपुर एयरबेस से पहली व अंतिम बार जो MiG-27 है इनकी शॉर्टी होती है और लास्ट स्क्वाड्रन जिसमें 7 MiG-27 एयरक्राफ्ट थे इनको रिटायर कर दिया जाता है। और ये वो दिन था जब MiG-21 हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए थे। इनकी जो ग्लोरियस स्टोरीज थी वो हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी MiG-27 नहीं बचा था जो कि ऑपरेशनल था, क्योंकि भारत वो अंतिम देश था जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा था। इन्होंने अपनी जो भूमिका है उनको बाकायदा निभाया और अलग अलग मिशन में भारतीय वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा मदद की। लेकिन जब इस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया गया तो उसी समय एक नई डिबेट ट्रिगर हुई थी और कहा तो ये भी जाने लगा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भारत को अब इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जो कमी है उसको फिल करना चाहिए। और लोगों के मन में हमेशा ये सवाल था कि आखिरकार भारत ने जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं जो कि SU-34 है, इसको भारत ने सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत के लिए इसके दरवाजे हमेशा से खुले थे। कई बार रूस ने भी भारत को इस चीज़ के लिए पुश किया था कि आप एक टैक्टिकल बॉम्बर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इस प्रकार के मिशन को इजिली एग्जीक्यूट कर सकता है, और MiG-27 के जाने के बाद जो गैप था वो क्रिएट हुआ था उसको भारत के द्वारा फिल किया जा सकता था। लेकिन फिर भारतीय वायुसेना का एक ऐसा डिसीजन आता है जो कि MiG-34 की सारी संभावनाओं को ख़त्म कर देता है, और वो डिसीजन होता है SU-30MKI से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का। क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ये पाया कि जो गैप MiG-27 के जाने के बाद क्रिएट हुए हैं उन मिशंस को हम बेसिकली अपने SU-30MKI से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि ये डिसीजन आनन फानन में आया हो, बल्कि इसके पीछे पूरी रिसर्च शामिल थी। इसमें ऑपरेशनल नीड, फाइनेंशियल बर्डन और स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन शामिल थे जिनके बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि SU-34 की बात करें तो वो एक अलग तरीके का एयरक्राफ्ट था जो कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में कभी देखे नहीं गए थे। ये एक फॉर्मिडेबल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था जो कि इम्प्रेसिव कैपेबिलिटी के साथ में आता है और सुखोई की तुलना में ज़्यादा पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें लॉन्ग रेंज की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये भी उपलब्ध थी। और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अगर ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं तो भारत को जो बड़े बॉम्बर्स हैं इनके तरफ देखने की शायद ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि उनका यह कहना है कि इंडिया की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको भी एक्सीड कर रहा था, और अगर भारत इन्हें लिमिटेड नंबर्स में भी ले लेता तो भारत के पास और भी ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होते। लेकिन फिर भी भारत ने SU-30MKI को प्राथमिकता दी और इसे ही इंडिजनाइज करने पर भारत का ध्यान गया। और आपको बता दें कि सुखोई 30 जो है वो एक एयर सुपियोरिटी फाइटर है ओरिजिनली, लेकिन भारत ने उसे बेहतरीन तरीके से एज अ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किया है, और इसका इस्तेमाल भारत के द्वारा एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन में किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें SU-34 की, तो SU-34 की जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के पर्पज से बनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि एयर सुपियोरिटी मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकता था और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकता था, तो भारतीय वायुसेना को कभी भी SU-34 की ज़रूरत महसूस नहीं हुई।
इसके अलावा भारतीय वायुसेना लगातार अपने सुखोई 30 एमकेआई को एडवांस सेंसर्स, एडवांस रेडार और एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप करना चाहती थी और ये सारी चीजें हमें सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जिससे कि इसकी ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाएगी, इसकी वर्सटैलिटी काफी बढ़ जाएगी और इस एयरक्राफ्ट का अपना एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है जो कि भारतीय वायुसेना को काफी इंप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पर इमीडिएटली ये पता चल चुका था कि हमें एडिशनल प्लेटफॉर्म जैसे KC-34 है इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा सुखोई 30 MKI ये सब कार्य करने में सक्षम है। दूसरी बात, सुखोई 34 में हमें सुखोई 30 MKI के जैसे जो टैंडम अरेंजमेंट है सीटिंग की वो देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसमें हमें साइड बाई साइड सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये भारत के लिए काफ़ी अलग होती, क्योंकि आमतौर पर सुखोई 30 MKI में हमें जो टैंडम सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलती है जहाँ पर पायलट एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर SU-34 की बात करें तो यहाँ पर पायलट अगल बगल बैठते हैं और इसके लिए भारत को और ज़्यादा जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है इसकी ज़रूरत पड़ती। और सबसे खास बात यह है कि अगर भारत के द्वारा ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाते हैं तो भारत को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में, इनके मॉडिफिकेशन में और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है लॉजिस्टिक में होती और दूसरे जो प्रोग्राम थे ये खर्चा बढ़ा सकते थे। तो भारतीय वायुसेना ने यही ठीक समझा कि SU-34 के जगह हम अपने SU-30 MKI का इस्तेमाल अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने में करेंगे। एक और खास बड़ी वजह जो कि SU-34 को सिलेक्ट ना करने की थी, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि SU-34 को अगर हम सिलेक्ट करते तो हमारे लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मौका होता और इससे जो भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते थे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए उसी समय Tejas Mark 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम को लेकर के आवाज़ तेज हुई थी और 2018 यानी उससे MiG-27 को रिटायर किए जाने से ठीक एक साल पहले ही भारत ने FGFA प्रोग्राम को छोड़ा था। तो भारत के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इमीडिएट थी कि भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर फोकस करे और ऐसे में अगर हम किसी एडिशनल एयरक्राफ्ट की खरीद में पैसे को खर्च करते तो भारत के सामने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते थे और यही कारण है कि भारत ने अपने जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनको प्राथमिकता दी और SU-34 को लेकर के जो रूस के दरवाजे थे ये हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। हालांकि SU-34 SU-30 MKI की तुलना में काफ़ी बड़ा और काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसकी क्रू कैपेसिटी 2 पर्सनल की है, इसकी लेंथ 23.34 मीटर्स की है, इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर्स का है, वहीं अगर हम इसके एम्प्टी वेट की बात करें तो ये 22,500 किलोग्राम का है और ग्रॉस इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 45,000 किलोग्राम का है जो कि सुखोई 30 MKI की तुलना में ज़्यादा है। इसको पावर करने के लिए सैटर्न AL-31 FM इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि 132 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 1,900 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं इसकी जो कॉम्बैट रेंज है ये 1,100 किलोमीटर की हो जाती है। इसकी सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर्स की है और अगर हम हथियारों की बात करें तो इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये 12,000 से लेकर 14,000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। इसमें गाइडेड रॉकेट्स, अनगाइडेड रॉकेट, क्रूज मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल है जिसमें KS-25, KS-31 और KS-38 जैसी मिसाइल्स का नाम सामने आता है, तो वहीं ये KS-47 को भी कैरी करने में सक्षम है। एंटीसिप मिसाइल की बात करें तो ये ब्रह्मोस के जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इनको कैरी करने में सक्षम है, जिसको हम P-100 ऑनिक्स के नाम से जानते हैं जो कि बेसिकली ब्रह्मोस इसी से इंस्पायर्ड है। तो अब आप यहां से इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में सही सही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।